हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हालांकि अब तक उनको परमिशन नहीं मिला है जाने का। तेजस्वी, परमिशन अब तक पुलिस ने नहीं दिया है, व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे आप? परमिशन सिर्फ गुंडों को है कि गोली मारो। देखिए, हम लोगों का अधिकार बनता है, अधिकार बनता है कि अगर अन्याय हो रहा है, अगर लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि हम लोगों पीड़ितों से जाकर के मिलें और बात को रखें। सिंस वेरी फर्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग का हो या सरकार के जितने भी गाइडलाइन है, हम लोगों ने माना है। लेकिन आखिर हम लोग कब तक इंतजार करें, कब तक इंतजार करें? कितने लाशें और बिक जाएंगी, कितने और बहनें अनाथ, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, विधवा हो जाएंगी, तब हम लोग निकलेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी है, तो प्रशासन जो है ऐसी व्यवस्था बनाती कि हमें जाने की अनुमति देती, एक व्यक्ति को ही जाने देती, बोलते कि भाई आप जो है डेलीगेशन जाती तो डेलीगेशन जाता, लेकिन आप जो हाउस अरेस्ट का कागज कहाँ है? हमने देखिए, हमें रोका जा रहा है, हमारा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, पीड़ितों से जाके मिलना था, वहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनसे मिलना था, वापस आ जाना था, और हमने तो सिर्फ केवल विधायकों को बोला है आने, तो विधायक तो ऑलरेडी जो है उनको परमिशन है, कमेटी की बैठक ऑलरेडी चल रही है। हमने तो किसी को ऐलान नहीं किया कि इस मैदान में हम रैली करेंगे या हम जो है अनशन करेंगे, हमने तो यही बोला है ना कि हम तो पीड़ितों के पास जाएंगे। आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वो जिस आरोपी जो विधायक है, इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, एक भी आईपीसी सेक्शन नहीं है जो नहीं लगा हो। अगर उसके गुंडे 1000 मोटरसाइकिल निकाल के रोड में जुलूस निकाल सकते हैं गोपालगंज रेड जोन होने के बावजूद भी, तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वहां उनके विधायक के समर्थक कह रहे कि लाशों बिछा दिया जाएगा पूरे गोपालगंज में, जितने पुलिस गोलियां नहीं चलाती उतने हम पॉकेट में रखते, क्या कार्रवाई की गई? क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? वो तो पीसी करता रहा, वो तो चैलेंज कर रहा कि वो भी पटना से दिल्ली जो है बजा देगा ईंट से ईंट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन जो है जान बचाने के लिए ना है, कि गुंडे तो मारे जा रहे हैं। इसी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि गैंगरेप भी हुआ आइसोलेशन वार्ड में एक महिला के साथ, तो आखिर अपराध जो चरम सीमा पर है, तो विपक्ष आखिर कब तक बैठा रहेगा? तो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात, आप जैसे अपने जिम्मेदारी से बंधे हुए हो, हम भी तो अपने जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं। लेकिन सवाल तो वही उठ रहा है ना कि जब जाना, आप बताइए ना, सवाल तो पहले कहाँ है तेजस्वी, कहाँ है तेजस्वी? हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे, तो अब जब हम आ गए हैं जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हो? हाउस अरेस्ट हो, हम ट्वीट करें तो ट्विटर बॉय हो जाए? तो ये सवाल के जवाब तो वो देंगे। देखिए, हमने ये विशेषाधिकार का नन है, कहाँ लिखा है? चलो ठीक है, अनुमति हमको जो है पटना से बाहर जाने की नहीं है, लेकिन पटना में हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। ये सरकार जो एग्जाम्पल दे रही है, ये तो हमको जिंदगी भर बैठा देगी घर में। लेकिन सवाल तो वही है कि इतना, जब आपको जाना है प्रदर्शन करना है, धरना करना है, विरोध करना है, तो लाभ लश्कर के साथ जाने की क्या जरूरत है? सवाल तो इसी पर, लाभ लश्कर है ये जनप्रतिनिधि है, केवल और केवल विधायक है। लाओ लश्कर तो जैसे मीडिया का है, क्या हम आप लोग जाओगे तो एक एक करते जाएगा? जनप्रतिनिधि है, पूरे बिहार का मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, तो पूरे जो जनप्रतिनिधि है अपने अपने बात जो रखेंगे, तो क्या दिक्कत है? हमने कोई पब्लिक मीटिंग नहीं, आप देखिए, आप पूछिए कि कौन सा कागज है, हमको किस कागज के आधार पर रोका जा रहा है? COVID-19 का जो होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है, अगर उसके तहत रोका जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। और गोपालगंज मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरी माँ पिता वहीं पैदा हुए, मेरा ननिहाल है, अब हमको मेरे घर जाने से कैसे रोक सकते? और एक नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा जाने से कैसे रोक सकते? हमने आला अधिकारी को बोला है, आप ही के सुरक्षा में, आप ही के साथ हमको विधानसभा स्पीकर से मिलवाइए। हम चाहते हैं विशेष सत्र, हम चाहेंगे विशेष सत्र बुलाई जाए। आपकी स्पीकर से बात हुई, क्या कुछ हुआ है, क्या अगला स्टेप होगा अगर यहाँ से परमिशन नहीं? स्पीकर से फोन पे बात की है कि भाई सिर्फ विधायक हैं और कमेटी के चेयरमैन से ऑलरेडी जो मीटिंग्स वगैरह चल रही है, तो हमको तो रोका नहीं जा सकता विधानसभा जाने से, ये तो विशेषाधिकार का हनन है। अगर हम जाएंगे तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए और बहस हो विधानसभा में, क्या दिक्कत है? हालांकि ज्यादा लोग नहीं रहे, कमी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए करें, क्यों नहीं बुला सकते? सबको ऑफिस जाने का अधिकार है, तो विधायकों को उनके काम से विधायिका करने से कौन रोक रहा है? भैया, वी आर द लॉ मेकर्स जो है, और जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, अगर सरकार वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, तो हमारा काम है वो। तो स्पष्ट
हैं कि यहाँ से साफ साफ तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो आप साफ सुन रहे थे कि लगातार कोशिश जो है वो इनकी यही है कि गोपालगंज में यहाँ से इससे आगे जो है वो निकले, लेकिन पुलिस उनको यहाँ से जाने से साफ साफ मना कर रही है। कैमरा चैलेंज के साथ निधिश्री एबीपी न्यूज पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।